मुझे फिर मम्मी कहने लगी, पता है घसीट के मुझे लेके गया वहां आके, मुझे उसने इतना जोर से पकड़ा और मैंने अपनी माँ को जब देखा ना तो मैं इतना तेज रोने लगी, मतलब कि क्या ही हो गया था मेरे साथ। मतलब अगर मुंह खोला ना तो मैंने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जब तू बेहोश हो गई थी ना तो मैंने तेरे साथ गंदा काम किया है। हाँ, और मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग, मैंने वीडियो बनाया, अगर तूने मुंह खोला ना तो मैं उसको वायरल कर दूं। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आप सभी की दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो माई स्टोरी कब क्यों एंड कैसे का पांचवा पार्ट आज हाजिर है आप लोगों के सामने। सॉरी बहुत ज़्यादा लेट हुआ था, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब 10,000 व्यू हो जाएगा उसके बाद मैं डालूंगी, लेकिन मैंने वेट किया पर 10,000 व्यू हुआ नहीं। मुझे लगता है ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं है स्टोरी जानने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे, मेरे से दोस्त थे जो हमेशा मुझे कमेंट करते और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी आप पार्ट 5 लेके आओ, जल्दी हमें सुनना है। तो फिर इसीलिए जो है इतना सारा रिक्वेस्ट आने के बाद मैंने सोचा कि जल्दी से मैं ले आऊँ, तो संडे में नहीं कर पाई पोस्ट और आज मैं कर रही हूँ इसको। आगे लेके चलते हैं आज की स्टोरी को। तो गाइस, लास्ट टाइम जो स्टोरी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ वो मेरा था वहाँ पे जब उसने मुझे मेरे हाथ पैर को बांध दिया था और मेरे मुंह पे उसने कपड़े ठूस दिए थे और मेरी माँ और मेरा भाई कहाँ था, यहाँ तक कि मैंने ख़त्म किया था। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टोरी को आगे की तरफ लेके चलते हैं, जो मेरे साथ रियल घटना जो घटी है उसके बारे में। तो गाइस, वो जो उसने जब मेरे मुंह पे कपड़े ठूस दिए थे और मेरा हाथ पर उसने बांध दिया था, तब वहाँ पे जो है सिर्फ मेरी मम्मी भी नहीं थी, मेरा भाई भी नहीं था, मैंने लास्ट टाइम बताया था, और सिर्फ वो लड़का था और उसके हाथ में वो चाकू। और उसने मेरे सामने फ़ोन किया था कि तुम कहाँ पे हो, आओ कोई तुम्हें देख ना सके, और 10-12 लड़के साथ लेके आओ, कम से कम 10 लड़के के साथ आओ, और आज इसका हम ऐसा हाल करेंगे कि कहीं पे इसको मुंह दिखाने का लायक नहीं छोड़ेंगे। ऐसे मेरे सामने उसने किसी को कॉल किया था। तो ये सुनने के बाद तो मेरी बिल्कुल हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन फिर भी उस वक्त मुझे अपनी मम्मी का और मेरे भाई का टेंशन था कि वो लोग कहाँ पे है। मैं उसको बार बार पूछ रही थी कि मेरा भाई कहाँ है, मेरी मम्मी कहाँ पे है, लेकिन वो मुझे बता नहीं रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत मुश्किल से उसने मेरे मुँह का कपड़ा उसने निकाला था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। तो वो क्या, उसने कहा कि क्या ऐसा करूँ कि तुम चुप हो जाओगे, बोलो। तो मैं ऐसे ऐसे इशारे करके बोल रही थी कि मुंह के कपड़े हटाने के लिए, ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे मुंह दिखा रही थी। तो फिर उसने मेरे मुंह का कपड़ा हटाया, बोला कि अब चुप हो जा, अगर थोड़ा भी आवाज़ करेगी ना तो फिर देखना कि मैं तेरे मार भाई को क्या करता हूँ, बोल के। ठीक है, तो मैं बोली कि ठीक है, मैं नहीं रोऊंगी, तुम बताओ कि मेरी मम्मी और मेरा भाई कहाँ पे। तो बोला वो दूसरे रूम में सो रहे। तो मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में इतना तुम ये कर रहे हो और मैं इतना चीख चिल्ला रही हूँ और घर पे कोई सुने ही ना, तो तुमने कुछ ज़रूर किया है उनके साथ में, बताओ तुमने मेरी मम्मी के साथ क्या किया। मैंने ऐसे जब पूछा उससे तो बोला कि उस रूम में है, मैं लेके आऊँ, मैंने उनका हाथ पैर बांध के रखा है। ये सुनने के बाद मुझे इतना इतना ही ज़्यादा मैं डर गई ना कि उनके साथ भी इसने क्या किया। मैं बोली कि मेरी मम्मी को मेरे पास लेकर, बोला तू पहले चुप हो जा। मैंने कि नहीं, पहले मेरी मम्मी को मेरे पास लेकर आओ, तब मैं चुपूंगी। उसने मेरा पैर नहीं खोला, उसने सिर्फ मेरे मुंह का कपड़ा हटाया, और जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट करा तो उसने मेरा एक हाथ, ये वाला हाथ उसने खोल दिया था मेरा। ठीक है, तो इस हाथ, ये हाथ जब उसने खोला मेरा, तो ठीक इस साइड में ही क्या कहते हैं खिड़की था हमारा स्लाइडर वाला। तो मैंने उसको कहा कि मेरी मम्मी को लेके आओ, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बोला ठीक है चुप हो जा, मैं लेके आता हूँ, बोल के। तो वो उस साइड गया घर से, मतलब मेरा ये रूम 3 BHK का मेरा फ्लैट था, यहाँ से निकल के जैसे वो बाहर की तरफ गया ना, तो मैंने अपनी, इस हाथ तो मेरा बंधा हुआ था लेकिन मैं जैसे तैसे खिड़की को मैंने खोला और खिड़की को मैंने पकड़ लिया सब बहुत तेज जोर से। ठीक है, फिर मैं नीचे की तरफ देखने लगी कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उतना में मुझे एक लेडीज दिखी, मतलब पूरा रोड जो है ना वो सुनसान, जैसे मेन रोड होता, मेन रोड से अंदर को जाके एक गली थी, वहीं पे हमारा फ्लैट था, वहीं पे घर था, और दोपहर को वो गली बिल्कुल सुनसान होती थी। तो ये जो है सुबह इसने स्टार्ट किया था, लेकिन 10:30-11 के आसपास बज गया था, इतना में बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे जब मैं खिड़की से बाहर की तरफ देख रही थी तो कोई है ही नहीं, मुझे इतना डर लग रहा था कि कोई तो आए जिससे मैं हेल्प मांगू, बोल के मैंने खिड़की बहुत तेज पकड़ा था कि वो आएगा तो वो तो छुड़ाएगा, वो बंद करेगा, मुझे पता था। लेकिन मैं बोली कि मैं बहुत तेज मैंने पकड़ लिया, एक हाथ से पकड़ा, मैं छोड़ी ही नहीं। तो मैंने देखा कि दूर से एक लेडीज आ रही थी, मतलब थोड़ी एजेड थी, मेरी मम्मी की उम्र का ही, वो आ रही थी उधर से। तो मैंने बहुत जोर से उनका आवाज़ दिया कि आंटी आंटी इधर प्लीज़ हेल्प करो, किसी को बुलाओ, मेरे घर पर कोई घुस गया है,
वो मुझे बांध दिया उसने, देखो मेरे हाथ जब उसने खोला ना रस्सी मेरे हाथ में ही था, तो मैंने लगा देखो मेरे हाथ में रस्सी है प्लीज किसी को बुला। वो खड़ी होकर ऐसे देख रही है सिर्फ कि क्या हुआ। मैं ऊपर से चीख रही हूँ कि मतलब अपर ग्राउंड ही था, एक फ्लोर ही ऊपर था, एक तल्ला ही ऊपर था, तो मैं चीख रही थी कि आंटी मेरे घर पे कोई घुस गया है, मुझे रस्सी से बांध के रखा, आप प्लीज किसी को बुला। पास में क्लब घर था, क्लब घर जहाँ पे लड़के वगैरह बैठे हुए होते ना, जैसे कोई कोई सिटी में होता है ऐसे क्लब घर, तो वैसे क्लब घर था वहां पे। तो मैं बोली कि पास में क्लब घर है आप बुला दो प्लीज किसी को, प्लीज हेल्प करो। उतना में मेरी आवाज सुन के वो भाग के आया, आके बोला कि छोड़ छोड़ दे खिड़की छोड़, मुझे बंद कर ऐसे बोला। मैंने कि नहीं, मैं बोली कि आंटी प्लीज जल्दी बुलाओ। मैं बहुत ज्यादा चीखने लगी जल्दी बुलाओ प्लीज, देखो ये है। तो ये क्या बोला कि आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी वाइफ है, हाँ ऐसे पति पत्नी में झगड़ा हुआ इसलिए ऐसे कर रही है, हाँ मेरी बीवी ऐसे कर रही है। मैंने बोला कि आंटी कोई बीवी नहीं हो, कोई पति नहीं हो, ये घर पे घुस गया जबरदस्ती और मेरा हाथ बना, अगर मैं इसकी बीवी होती तो मेरा हाथ नहीं बना, देखो मेरे हाथ में रस्सी था उस टाइम। तो मैंने बोला कि देखो मेरे हाथ में रस्सी, आंटी प्लीज आप किसी को बुलाओ, मैं हाथ जोड़ती हूँ प्लीज। मैं पूरा रो रही, बहुत ही चकी चक्के में रो रही थी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन था मेरे सामने कि मैं क्या ही करूँ, इतना ज्यादा मैं रो रही थी। मैंने मेरा खिड़की छुड़ा रहा, बोलता छोड़ दे, उसके हाथ में छोटा सा चाकू था, बोलता छोड़ दे नहीं तो मैं हाथ में मार दूंगा। मैंने कहा मार दे पर मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी मम्मी को भी तू नहीं लेगा। मैं बोली कि आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैंने बहुत, जब मैंने खिड़की खोल के वो पकड़ लिया, जब मैंने वो लेडी को बोल दिया, मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई मैं क्या ही बताऊं। तो वो आंटी को देखा मैंने, वो भाग के गई उधर, ठीक है, लेकिन वो खिड़की मुझसे छुड़ा रहा, लेकिन मैंने छोड़ा ही नहीं। बहुत बहुत कोशिश किया लेकिन मैंने छोड़ा नहीं, मेरा हाथ एकदम लाल हो गया था। तो बोलता कि मैं मार दूंगा, चाकू मार दूंगा। मैंने कहा तू मार दे पर मैं खिड़की छोड़ूंगी ही नहीं जब तक कोई आ नहीं जाता। उतना में मेरे गेट पे आता, टक 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 टक, पूरा लॉक कर रहा है, मतलब बहुत सारे लोग आ गए थे मेरे घर के दरवाजे पे। मुझे इतनी हिम्मत मिली कि चलो क्या, तब मैंने उसको क्या बोला, आ गए तुम्हारे बाप, अब तुम्हें बताएंगे बोल के। हाँ मैंने जितना मुझे परेशान किया ना, अब मैं तुम्हें बताऊंगा। बोलता कि मेरे हाथ में चाकू है, तेरी जो माँ है और तेरा जो भाई है ना, वो मैंने उसको रखा है, कहाँ रखा है तुझे बताऊंगा नहीं, तू जब तक कुछ, ये लोग जैसे ही आएंगे अगर तूने कुछ भी बोला तो फिर तेरी खैर नहीं, ऐसे मुझे बोल रहा है। तो मैंने बोला कि अब तू जितना भी धमकी दे मुझे कोई बात का डर नहीं है। मैंने बोला जा खोल, तुम्हारे बाप आ गए, मैंने ऐसे बोला, जा दरवाजा खोल, तेरे बाप आ गए, अब तुझे बताएंगे। तू इतना हद तक गिर सकता है, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि जो एक अच्छा दोस्त था वो इतने हद तक गिर गया, इसीलिए कि मैं शादी कर लूं। कितना घटिया इंसान हो तुम कि पहले से तुम्हारी शादी हो रखी है, फिर भी मैंने दोस्ती की, फिर भी मैंने रिलेशन रखा, फिर भी आगे बढ़े, लेकिन जब तुम शादीशुदा हो, जब ये पूरा कंफर्म हो गया, तो मैं क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करूं। मैंने बोला तुम्हारे से घटिया इंसान को होना ही नहीं चाहिए मेरी लाइफ में। मैंने बोला जितना हद तुमने आज पार कर दिया ना, इसके बाद तो कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मैंने बोला कि दरवाजा खोल, खोल ही नहीं रहा दरवाजा। फिर बाहर से वो लोग पूरा ठक 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 आवाज दे रहे थे, तो बोले कि दरवाजा खोल नहीं तो अभी हम तोड़ देंगे दरवाजा, तोड़ के अगर अंदर आए तो तेरी हड्डी पसडी तोड़ देंगे, दरवाजा खोल कौन है अंदर, बल्कि ऐसे वो बहुत सारे लड़के थे। तो ये डर डर से गया, दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला कम से कम 10 से 12 से 15 लड़के थे, इतने लोग आए मेरे घर पे, और बहुत पूरा मतलब बिल्डिंग के जितने लोग थे वो जमा हो गए, इतने सारे भीड़ हो गए मेरे घर पे। उसके बाद वो आए अंदर तो देखा कि मेरा पैर भी बंधा हुआ, मेरा हाथ भी बंधा हुआ, ठीक है। उसके बाद वो एक उसमें से आया, आके खोला, इसको पकड़ा, पकड़ के पहले तो खूब पीटा उसको, थप्पड़ ही थप्पड़ मारा, थप्पड़ की कि ये क्या किया तूने लड़की के साथ में। और जब वो लोग दरवाजे पे आए ना, तो वो मुझे ये भी कह रहा था कि तूने अगर मुंह खोला ना तो मैंने तेरा वीडियो रिकॉर्ड किया, जब तू बेहोश हो गई थी ना तो मैंने तेरे साथ गंदा काम किया है, हाँ, और मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग, मैंने वीडियो बनाया, अगर तूने मुंह खोला ना तो मैं उसको वायरल कर दूंगा ऐसे। तो मुझे तो ये था कि बस अब वो आ गए तो अब जो हो देखा जाएगा, अब लोग आ गए मुझे बचाने के लिए। मेरे अंदर इतनी खुशी हुई थी, मैं इतना मतलब डर मेरे दिल से निकल गया था। मैंने बोला कि तू दरवाजा तो खोल पहले। तो सब जब आए अंदर, उसके बाद मुझे देखा, मेरा हाथ पैर खोला, मेरे हाथ पैर इतना लाल हो गया था, मेरा पूरा पैर लाल हो गया था, एकदम हाथ मेरा इतना टाइट से बांधा था ना उसने, पूरा हाथ लाल, और मैं ऐसे इतनी बुरी तरीके से रो रही थी कि मेरे आँख नाक मुंह सबसे पानी आ रहा था, इतनी बुरे तरीके से मैं रो रही थी वहां पे। उसके बाद उन्होंने खोला, उसको मारा, दो चार धप्पड़ मारा, उसके बाद बोला कि जेल पे डाल देंगे। फिर मुझे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है भैया बोल के। फिर उसको ना पकड़ के बोला कि चल तुझे लेके जाते, जैसे
उसको निकाल रहा था, तो मैंने बोला कि भैया एक मिनट रुकिए प्लीज, इसको पूछिए मेरी माँ कहाँ है बोल के। तो इसको पूछा कहाँ है मेरी माँ, तो उसने बताया दूसरे रूम में। दूसरा रूम खोला तो गाइस मेरी माँ का भी उसने हाथ बांध दिया था, मेरी माँ का भी उसने पैर बांध दिया था, और मेरी माँ के मुंह पर भी कपड़े ठूसे, और मेरी माँ को रो के बिल्कुल बुरा हाल, इतना आंसू आंसू मेरी माँ में, क्या ही बोलू। जैसे ही खोला ना मेरी माँ भाग के आई मेरे पास में कि क्या हुआ, आके मुझे उसने इतना जोर से पकड़ा, और मैंने अपनी माँ को जब देखा ना तो मैं इतना तेज रोने लगी, मतलब कि क्या ही हो गया था मेरे साथ, मतलब ऐसा ऐसा सिचुएशन मेरे साथ हुआ है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। वो सब चीज़ जब मैं याद करती हूँ ना तो क्या क्या बोलूँ। मुझे फिर मम्मी कहने लगी पता है घसीट के मुझे लेके गया वहां पे कि बेटी का कमाई खा रही है, बेटी को काम करा रही है, बेटी को शादी नहीं कराएगी मेरे साथ तो तुझे आज खत्म कर दूंगा, ऐसे बेटी का कमाई खा के मोटी हो गई, मोटी भैंस हो गई, ऐसे मेरी माँ को वो बोल रहा था। मेरी माँ ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहा था मुझे, और मेरा हाथ पकड़ के इस रूम में थी मैं, इस रूम से सीट के मुझे उस रूम में लेके गया, और थप्पड़ भी मेरी मम्मी को मारा उसने। इस बात के लिए मैंने कभी जिंदगी में उसको मैं माफ नहीं करूंगी। हमेशा मैंने उसको कहा है कि तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारा क्या बुरा हाल होगा देखना। तो मेरी माँ पे उसने हाथ उठाया, उसने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था घींच के, और हाथ पैर घसीट के वो लेके गया था रूम पे, और हाथ पैर मेरी मम्मी का भी बांध दिया था, और मेरी मम्मी का इतना बुरा हाल था ना मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने उनको उन्होंने मेरी मम्मी को भी खोला वगैरह सब, उसके बाद मैंने उनको बोला कि भैया ये कह रहे कि मेरा वीडियो इसने रिकॉर्ड किया है और मेरे साथ गलत काम किया, इसका फोन चेक करो प्लीज, ये कह रहा है कि मैं अगर बताऊंगी किसी को तो ये वायरल कर देगा। तो उसका फोन लिया, चेक किया, तो उसके फोन में कुछ भी नहीं था, और मुझे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे साथ उसने कुछ भी ऐसा किया था, मुझे ऐसा लगा नहीं। लेकिन क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ रेप हो कुछ भी हो तो उसको ये पता चल ही जाता है, शरीर उसका तो पता तो चलेगा ना, तो मुझे नहीं था। देखो मुझे कोई चीज़ झूठ बोलना या इल्ज़ाम लगाना वो ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं करना चाहती ये सब, ना मैंने ज़िंदगी में कभी किया है। मैंने ऊपर वाले पे हर चीज़ छोड़ा है कि जो करेंगे ऊपर वाले करेंगे, मैं हमेशा सच्चाई के रास्ते पे चली हूँ, मैंने सच बोला है। अभी कमेंट भी बहुत सारे आते हैं कि ये झूठ बोल रही है, इस लड़की ने ज़रूर उसको फंसाया होगा, उसका पैसा झीटा होगा, ये क्या होगा वो, उसका पैसा मैं क्या झूठूंगी, उससे डबल मैं कमा रही थी उस टाइम, तो उससे मैं क्या झूठूंगी, उसका सैलरी मेरे सैलरी में बहुत फ़र्क था तो उससे मैं क्या ही पैसा झूठूंगा, वो अपने उसका खुद का पेट भरने का उसका नहीं होता था तो वो मुझे क्या देगा। तो मैंने कभी उससे एक रुपये कोई नहीं लिया है, ना कोई उधार दिया, उल्टा मैंने दिया है, मैंने कभी उससे लिया नहीं। ऊपर वाले ने इस लाइक बना दिया था कि मैं खुद कमा के अपने घर को भी चला रही थी, खुद को भी चला रही थी और सेविंग भी कर रही थी। तो ये बात जो है जितना लोग बोलते हैं ना, आप लोग अपने दिमाग से क्लियर कर दो कि मैंने उसको फंसाया था, मैंने उसको ये किया था। अगर मुझे फंसाना होता, पैसा कमाना होता, आप लोगों ने मेरा फोटो देखा, बहुत जड़िया है पैसा कमाने का, लेकिन मैंने कभी गलत काम करके पैसे कमाने का नहीं सोचा, ना मैंने उसको फंसाया था। और कहते कि इसी की कोई गलती होगी तभी तेजाब डाला था, यही सोच जो है ना हमारे समाज में खोखला कर रहे हर एक चीज को कि इसने ही कुछ किया होगा तभी तो इसने ऐसा किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो रेप हो जाता उन्होंने भी कुछ किया होता किसी के साथ में, मतलब मैं क्या बोलूँ, ऐसे घटिया सोच लोग जो करते हैं ना उनको मैं क्या बोलूँ। और हाँ ये वीडियो उसकी फैमिली भी देख रही, जो भी वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ ना उनकी फैमिली भी देखती है, और वो खुद वो बंदा भी ये देखता। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो ना तो देखो खुल्लम में हर चीज़ बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। प्रिया नाम से, प्रियंका नाम से, पता नहीं किसके किसके नाम से जीमेल आईडी बनाता है, बना के मुझे कमेंट करता कि ये औरत झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही, झूठ बोल रही है। मुझे झूठ बोलना होता ना तो मैं और नमक मिर्च लगा के पता नहीं मैं क्या ही क्या बोलती, ये भी कहती कि तुमने मेरा रेप किया था, लेकिन मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे उस टाइम कुछ फील नहीं हुआ तो मैंने नहीं बोला है ना। अगर होता तो मैं बता देती, वो भी चीज़ बता देती, और उसमें भी तुम्हें मेरा बात भी कोर्ट मानती क्योंकि सिचुएशन ऐसा था। लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो तुमने किया है वो वही मुझे बोलना है बस, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ मेरे को ऐड नहीं करना है। तो कैसे आगे बढ़ते स्टोरी में, सॉरी। तो ऐसा हुआ था, उसको वहां से फिर वो लोग जो है क्लब के लड़के मारपीट के उसको ले गए घर से मेरे। उसके बाद मेरे घर का तो बिल्कुल हालत खराब था कि मैं क्या ही बोलूं। तो वहां से वो जो है उसको ले जाके पीट पाट के उसको वार्निंग देके उन्होंने छोड़ा। मुझे लगा था कि वो पुलिस में डालेंगे। मुझे उसने पूछा कि क्या करना है, तो मैंने बोला कि आप लोग को जो सही लगे, मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा करा, आप बताइए इसके साथ क्या करना है, आप लोग फैसला लीजिए बोल के मैंने उनको क्लब वाले के ऊपर छोड़ दिया। तो उन्होंने उसको वार्निंग दिया कि आइंदा इस एरिया में या इस
लड़की के पीछे अगर तू दिख गया तो तेरा अच्छा नहीं होगा, तो उसको वहां छोड़ दिया। उसको वहां से वार्निंग देके छोड़ने के बाद फिर वो आए मेरे घर पे। आने के बाद उन्होंने बोला कि ऐसा उसने क्यों किया, तो मैंने उनको सब कुछ बताया। तो बोला कि सही बात है, जो लड़का पहले से शादीशुदा है उसके साथ कैसे कोई शादी कर सकता है ना। और उसके बाद उसने बोला कि तुम हिम्मत मत हारो, जो भी हुआ उसको भूल जाओ और आगे बढ़ो, और थाना पुलिस मत करो, नहीं तो वो आर्मी में है तो उसका जिंदगी खराब होगा। तो मैंने उनकी बात मान के वो जिंदगी का सबसे आखिरी मतलब बहुत बड़ा गलती किया। अगर मैं उसी दिन केस करती उस पर और उसको जेल हो जाता तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि मेरे ऊपर वो तेजाब डाल देता। लेकिन मेरी गलती, उन्होंने बोला मत करना, मैंने बोला कि चलो ठीक है। मुझे भी लगा कि चलो छोड़ो, उसकी बूढ़ी बूढ़ी माँ है, बीबी है, बहन है, बहन के बच्चे, तो अगर इसको जॉब चली गई तो क्या ही। मैंने फिर सोचा कि कोई बात नहीं, मैंने फिर केस नहीं किया, यही सोच के। मैंने तो अच्छा सोचा था, मैंने उसकी बीवी का भी अच्छा ही सोचा था कि मैं ना करूँ, एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब होगा। मैंने हमेशा भला ही सोचा, लेकिन भले के बदले में मुझे ये मिला। उसके बाद 6 महीने तक तो वो बिल्कुल शांत था, बिल्कुल शांत। 6 मंथ तक कुछ भी परेशानी मुझे नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। उसके बाद अचानक एक दिन ऐसा होता है कि मुझे कॉल आता है, ठीक है, अननोन नंबर, नहीं पता कौन है। फिर मेरे व्हाट्सअप में मैसेज आना स्टार्ट होता है। कैसा मैसेज? वीडियोस मेरे व्हाट्सअप पे आते। वीडियोस में क्या है कि एक लड़का लड़की बैठा हुआ, दोनों बात कर रहे, लड़के ने बंदूक उठाया, लड़की को गोली मार दी, उसका भेजा पूरा खोल के निकल गया। उसके बाद दूसरी वीडियो, एक लड़की को बिल्कुल बिना कपड़ों के बांध के रखा है और उसको प्राइवेट पार्ट में कोई गोली मार रहा है, ठीक है, ऐसा दूसरा वीडियो। तीसरा वीडियो वैसा ही कि ऐसे लड़का लड़की बात कर रहे, उसके बाद लड़के ने लड़की को धक्का मारा, दीवार पे जाकर उसका सर लगा और बिल्कुल उसका दिमाग ऐसा खुल गया, पूरा ब्लडिंग ब्लडिंग। तो इतना गंदा गंदा वीडियो मुझे भेजने लगा वो, इतना गंदा गंदा वीडियो भेजने लगा, यही गोली मारना, मर्डर करना, दीवार पे मार देना, ब्लड ब्लड, मतलब इतना गंदा गंदा। फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, मैंने बोला कि अब क्या चाहते हो, अब तो सब हो गया ना, इतना कुछ हो गया लाइफ में, और क्या चाहिए, ये सब करके, ये सब मैसेज करके क्या बोलना चाहते हो, कि तुम मुझे गोली मार दोगे, कहीं भी देखो तो गोली मार दोगे, मुझे जान से मार दोगे, आखिर तुमको चाहिए क्या? तो तुम्हें पता नहीं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा। तो मैंने बोला ये पागलपन है, एक ये छोड़ दो बस, बहुत हुआ बोल के, ठीक है, मैंने फोन कट किया। लेकिन उसके बाद रात को 2 बजे कॉल करना, दरवाजा खोलो, मैं दरवाजे के बाहर हूँ, तुम्हारे घर पे कौन है, कौन है, कौन है। मैंने इसी डर से मेरी मम्मी को अलग जगह शिफ्ट कर दिया था कि मेरे साथ रहकर मेरी मम्मी की भी जिंदगी, मतलब उनका भी रिस्क हो रहा लाइफ में, ये पता नहीं कब क्या करे मुझे समय में, कहाँ जाऊँ, अपना शहर छोड़ के मैं कहीं भागूंगी थोड़ी ना, जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ की मेरी पैदाइश है, मैं वहीं रहूंगी। लेकिन मैंने अपनी मम्मी को मुझसे दूर किया, मैंने दूसरी जगह मम्मी को घर लेके दिया कि आप यहीं पे रहो, मैं कभी कभी आऊंगी, लेकिन काम तो जरूरी, मुझे काम करना है ना, तो मैं वहीं रह के काम कर रही थी, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ रह रही थी। तो रात को 2 बजे 3 बजे कॉल करके कि दरवाजा खोल, अंदर कौन है, तेरे साथ कौन है, कौन है, अरे मैं कोई वो थोड़ी ना बाजारी लड़की की, मैं कोई लड़का लड़का लेके रह रही हूँ, मैं लड़कियों के साथ रह रही हूँ, तो मेरी लाइफ में अब क्या हो रहा, मैं क्या करूँ, उसको क्या लेना देना, कोई नहीं ना। फिर भी मुझे परेशान करता था, रात को 2 बजे कॉल करना, 2:30 बजे कॉल करना, मेरे घर के सामने आके वो स्कूटी लेके खड़े रहना, मतलब इतना इतना उसने मुझे परेशान किया ना लाइफ में कि मैं क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा। ऐसा चलते 6 महीने शांत रहा, उसके बाद ये सब शुरू किया। उसके बाद अचानक मेरा बर्थडे था, 24 मई को आता है मेरा जन्मदिन, 24 मई, तो 24 मई को मेरा बर्थडे था। उसके बाद मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, ठीक है, बर्थडे वाले दिन क्या किया उसने, मतलब उस दिन भी बुके शुके पता नहीं क्या क्या भेज रहा था, मैंने तो एक भी चीज़ मुझे पता ही नहीं था कि वो भेज रहा है, बाद में पता चला था मुझे, वो तब तो इतने सारे गिफ्ट आए थे मुझे पता नहीं चला, वो चीज़ हो गई। उसके बाद जो है मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहती, बहुत क्लोज था मेरे फ्रेंड वो, तो उसको उसका बर्थडे आने वाला था 11 दिसंबर को, तो उसके 2 दिन पहले की बात है, मतलब उससे पहले मैं चली गई थी कोलकाता, मुझे कुछ काम था तो किसी काम से मैं कोलकाता गई। वहां से जब मैं वापस आई ना तो उसके एक हफ्ता ही मैं, ठीक है, दिसंबर की बात कर रही हूँ मैं, तो 11 दिसंबर से पहले, एक दिन पहले मेरे फ्रेंड को कॉल आया कि कल तेरा बर्थडे है ना, मैं कल तुझे ऐसा गिफ्ट दूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा उसको। सो गाइस, 11 दिसंबर की ये बात है जो मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती, मेरे लाइफ का वो सबसे भयानक पल जो मैंने फेस किया। तो शाम के 5 बजे का टाइम था जब मैं रेडी हुई, मैं कहीं जा रही थी और मैंने येलो कलर का साड़ी पहना,
येलो एंड ब्लैक कलर का उसका पार था, मुझे आज भी याद है। मैं रेडी हुई 11 दिसंबर 2014, ये तब की ये बात है। वो एक पल में मेरी जिंदगी कैसी बदली वो जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल सकती। तो गाइस वहां हुआ ऐसा था कि मैं रेडी उडी हो गई, उसके बाद मुझे जाना था, तो मैं घर से निकल रही थी। मैंने ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था, कुछ भी नहीं, नॉर्मल तरीके से थी मैं। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मैं वापस आई, मतलब बाहर गेट तक चली गई थी मैं। लेकिन फिर मेरा क्या मन में हुआ, मैं आई वापस, आके मैं मिरर को देख रही हूँ, मिरर को खूब ध्यान से देख रही हूँ मैं कि आज भी इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। मतलब ऐसा मैंने जिंदगी में कभी भी खुद को इतने गौर से नहीं देखा था। उस दिन मैं खुद को देख रही हूँ, मैं अपना नाक देख रही हूँ, मैं अपना होंठ देख रही, मैं अपनी आंखें देख रही कि आज मैं इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। मैं ऐसे देख रही हूँ खुद को, बहुत प्यार से देख रही घुर घुर के। फिर बाल मैंने जुड़ा बना रखा था, ऐसे खोपा कर रखा था मैंने, मैंने वो भी खोला, फिर बाल को ऐसे करके देख रही कि आज मैं इतनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। मतलब मुझे खुद को इतना फील हो रहा था कि मैं आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन वो मुझे पता नहीं था कि मेरी जिंदगी का ये वो पल है कि मैं खुद को आखिरी बार देख रही हूँ, इसके बाद मैं खुद को ऐसा कभी नहीं देख पाऊंगी। वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और उस दिन मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं कहीं जाऊँ नहीं काम उम पे, लेकिन फिर भी अब देखो काम है तो जाना पड़ेगा, जहाँ जरूरी है जाना वहां जाना पड़ेगा। फिर भी मैं वहां खुद को मिरर में खुद को देखा, देखने के बाद फिर मैं चली गई। मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो साथ में हम जाने वाले थे, तो मैं चली गई घर से। जैसे ही निकली, आधे रास्ते में पहुंची तो याद आया कि घर से जब निकली मैं तो वहां पे बाइक में दो लड़के खड़े थे जो बिल्कुल ब्लैक ड्रेस में थे, बिल्कुल ब्लैक ग्लास, ब्लैक चश्मा, मतलब पूरा ब्लैक ड्रेस, हेलमेट पूरा ब्लैक, ए टू जेड, एक फिंगर भी नहीं दिख रहा था। इस तरीके से वो हेलमेट लगाकर ऐसे कांच उठाकर ऐसे थे वहां पे खड़े। तो फिर हम जब एक दो गली हमने क्रॉस किया, उसके बाद देख रहे कि वो जो लड़का जहाँ गली में खड़ा था, कोने में खड़ा था बाइक लेके, वो हमारे पीछे आने लगा। तो कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी आगे, कभी पीछे ऐसे होने लगा वो बाइक लेके। फिर हमें आइडिया नहीं था कि वो हमारे गाड़ी का पीछा क्यों कर रहा। थोड़ा दूर जाते, जैसे मेन रोड जब हम पहुंच गए, मेन रोड पहुंचने के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को बोला कि तू देख रही है हमारे गाड़ी के पीछे दो बाइक में लड़के हैं, जो बहुत देर से, हम जब घर से निकले थे तब से पीछे वो आ रहे। तो उसने कहा कि हाँ मैं भी नोटिस कर रही हूँ इस चीज़ को, एक काम कर तू ना मिरर उठा दे, क्योंकि मुझे क्या प्रॉब्लम है कि मैं कभी भी गाड़ी में जो है मिरर को ऊपर करके बंद करके नहीं चलती हूँ, क्योंकि मुझे ना डिजीनेस का प्रॉब्लम है, मुझे वोमिटिंग फील होता है। तो मैं ट्रैवल 5 मिनट कभी, मैं कार में, बस में तो मैं कभी बैठती नहीं हूँ, शुरू से बचपन से मुझे आदत है। तो मैं कभी भी जो है गाड़ी में ऐसे में नहीं जा सकती, मुझे इतना वोमिटिंग फील होता। तो मैं हमेशा जो है गाड़ी का जो मिरर है उसको मैं हमेशा गिरा के रखती हूँ ताकि मुझे हवा मिल सके फ्रेश। तो उस दिन भी वही हुआ था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला भी कि रेशमा एक काम कर, इसको उठा ले तू कांच को। मैंने बोला कि नहीं, मुझे फिर वोमिटिंग हो जाएगी, मैं फिर जा नहीं पाऊंगी। तो मजबूरी थी मेरी कि मैं मिरर को मुझे खोल के रखना पड़ा। अब जैसे हम मेन रोड में पहुंचे, वैसे वो गाड़ी का आगे पीछे तो हो ही रहा था, और जैसे मैंने ऐसे पलट के देखा ना बाहर की तरफ कि ये कौन है, इतना देर से क्यों हमारे गाड़ी के आगे पीछे हो रहा है। जैसे मैंने ऐसे देखा ना, तुरंत ही मेरे मुंह पे उसने तेजाब फेंक दिया। मतलब जैसे ही मैंने देखा, वो लोग यही इंतजार कर रहे थे कि मैं कब इस साइड देखूं, और वो उनको मेरा फेस ही बिगाड़ना था, उनको मेरा आंख ही खत्म करना था। जैसे ही मैंने देखा वैसे उन्होंने सीधा मेरे आंख पे फेंका ऐसे तेजाब, और वो किस चीज में था मुझे नहीं पता, वो बोतल में था, वो बाल्टी में था, वो मग में था, नहीं पता, पर इतना था कि मैं बिल्कुल भीग गई। मैं, मेरे पूरा फेस, मेरा हाथ, मेरा चेस्ट, मेरे कमर तक तेजाब चला गया, मेरे मुंह के अंदर, मेरे नाक के अंदर, मेरे कान के अंदर, बिल्कुल तेजाब से मैं बिल्कुल नहा चुकी थी। और एक सेकेंड के लिए तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि ये क्या हुआ। मैंने तुरंत अपनी आंख में ऐसे हाथ रखे, और हाथ रखे जैसे मैंने ऐसे करके मैंने अपनी आंखों से हाथ हटाई और पलके खोली, मेरे आंख के सामने बिल्कुल अंधेरा, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल अंधेरा हो गया सब कुछ। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं बिल्कुल स्टॉप हो गई कि क्या हुआ। फिर धीरे 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 मेरा पूरा स्किन जलने लगा, मेरा नाक जलने लगा, कान से स्टार्ट हुई, कान जलने लगा, कान जल के ना इससे मुड़ के इतनी छोटी सी हो गई। उस टाइम ऐसा हो रहा था ना कि मेरा फेस बिल्कुल आइसक्रीम की तरह पिघल के गिर रहा था, मेरी नाक यहाँ से कट के गिर गई,
और यहाँ देख रहे आप लोग मेरा कान कान बिल्कुल जल के इतना छोटा सा हो गया था, इस साइड से बिल्कुल आइसक्रीम की तरह गल के गिर रहा था, बिल्कुल गला चेस्ट हाथ सब जल गया था। और मैंने साड़ी पहना था, साड़ी भी बिल्कुल यहाँ पे मेरा सट गया था जल के, और बाल जल के मेरे हाथों में गिर रहे थे। वो जो दर्द वो पेन है ना, मैं बता नहीं सकती। गाइस ये वीडियो मैं आज यहीं ख़त्म करती हूँ, इससे आगे की बातें मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अब मेरे से और बताया नहीं जा रहा है। मैं अगली बार जल्दी ही पोस्ट करूंगी, तो पहले के जितने भी पार्ट आप लोगों ने जिसमें से नहीं देखा है तो 1 से लेकर 4 तक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, 1 से लेकर 5 तक जितना भी है, तो आप लोग वो देख लेना। और अगले वीडियो के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं जल्दी ही डाल दूंगी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।